तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइनक्राफ्ट ट्रेलर शेडर एंड टेक्सचर पैक फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। एंड इसकी मदद से आपकी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन हो जाएगी पूरी की पूरी ट्रेलर की तरह। एंड इसके अंदर के ब्लॉक्स, एनिमल्स एंड आई थिंक मेरी स्किन भी थोड़ी बहुत चेंज मुझको लग रही है, मतलब इतना भी नहीं, बट बाकी के जो भी गेम की इनर जो थिंग्स है, चीज़ें, ब्लॉक्स या फिर एनिमल्स या फिर हमारे विलेजर्स ही ले लो, वो भी पूरे के पूरे यहाँ पे चेंज हो गए हैं। एंड अभी तो मैं टीपीपी में दिखा रहा हूँ, बट फर्स्ट वर्सन में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। एंड आप भी इस मैप को ट्राई करके अपने वर्ल्ड में ट्राई करना एंड उसको कमेंट करके बताना ये आपको कैसे लगे। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो इस वीडियो को एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट से रिलेटेड ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट करते डाउनलोड प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको जाना है डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी डाउनलोड्स करके। एंड इस साइट पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ यहाँ पे है ट्रेलर्स वगैरह। एंड आप देख सकते हो किस तरह से आपको क्वालिटी मिलने वाली है एंड नीचे कुछ अपडेट्स के बारे में भी बताए, बग फिक्सेस वगैरह वगैरह। एंड डाउनलोड्स में आपको इस लिंक पर करना है क्लिक। एंड यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, उसको आपको करना है फिल कुछ इस तरह से, टाइम ले सकते हैं ये लोड होने के लिए। टाइम नॉट रोबोट पर आपको करना है क्लिक। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत ये लोडिंग लेगा, 100% होने के बाद कुछ आपको एक डाउनलोड का बटन कुछ इस तरह से शो कर देगा, जहाँ इस तरह से गेट डाउनलोड्स। एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक और लिंक मिलेगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड डन। आपकी जो फाइल है वो अभी डाउनलोड के लिए लग जाएगी, मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसलिए मुझको पूछ रहा था। एंड डाउनलोड होने के बाद वेट मिनट, डाउनलोड हुआ या फिर नहीं, ओके तो डाउनलोड हो गया। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है ओपन विथ माइनक्राफ्ट में। एंड उसके बाद आपकी माइनक्राफ्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको पूरे के पूरे इसको लगाना है, जिस भी आप वर्ल्ड में जाओ वहाँ पे टेक्सचर आए, तो आपको जाना है ग्लोबल रिसोर्स एंड वहाँ से इसको आपको करना है एक्टिवेट। एंड इसके बाद आपको बैकअप चले आ जाना है एंड ये आपके पूरे के पूरे जो माइनक्राफ्ट गेम है वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। एंड डीएक्टिवेट करने के लिए भी सेम करना है। एंड उसके बाद अगर आपको किसी वर्ल्ड में लगाना है तो उसके वर्ल्ड के सेटिंग में जाना है पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करके, या फिर नहीं बनाते टाइम रिसोर्स पैक में जाकर इसको एक्टिवेट कर देना है। एंड बस आपको करना है गेम को क्रिएट। एंड मैं यहाँ पे एक वर्ल्ड में आ चुका हूँ एंड देख सकते हो आप, एक्चुअली बायोम इतनी भी ठीक ठाक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड शेडर्स आप देख रहे हो, हमारे हाथ में कोई आइटम है उसके भी शेडर्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं। एंड यहाँ पे एक डॉग है उसका भी लुक थोड़ा, ओ भाई गलती से लग गया, जैसी करनी वैसी भरनी। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये लग रहा है एक्चुअल वो ट्रेलर में दिखाई देते है वो। एंड थोड़ी बहुत यहाँ पे लैग टेस्ट भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे TNT लगा दिए है एंड इसको इग्नाइट भी कर देते है एंड देखते थोड़ा बहुत लैग फील होता है या फिर नहीं। स्टार्टिंग में तो लैग फील नहीं हुआ था बट अभी हो रहा है, बट ये जो ओरिजिनल माइनक्राफ्ट के टेक्सचर है उससे थोड़ा बहुत लैग में फ़र्क है। एंड फ्लेम तो देखो भाई, इसके टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे ओर से उनकी लाइटनिंग एंड वगैरह वगैरह चीज़ें भी थोड़ी बहुत चेंज लग रही है टेक्सचर से। एंड डायमंड भी देख लेते, ओके सारे के सारे ब्लॉक ठीक है। एंड उसके बाद चेक कर लेते लावा का भी, आई थिंक सारे लिक्विड वगैरह सारे की सारी चीज़ भी यहाँ पे आपको चेंज दिखने को मिल जाएगी। एंड एनिमल्स देखो तो ये रहा हमारा हॉर्स एंड ये रहा एक पिग, एंड ये बिल्कुल उस ट्रेलर की तरह दिख रहा है। आपने कभी ट्रेलर में देखा हो तो आपको याद आ जाएगा। एंड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए कोबलस्टोन वाले जो टेक्सचर है वो। एंड एक हम विलेज भी ढूंढ लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमको। एंड आयरन कॉलम को देखो, सबसे पहले वो एक चेंज दिख रहा है। एंड ये बेल बज नहीं, ओके तो बजी भी। तो चलते हम घर में भी चेक कर लेते हैं, कोबल स्टोन एंड मोस्टली कोबल स्टोन एंड नीचे जो वुड है वुडन प्लैंक्स उसको भी देख सकते हो। एंड उसके बाद ये वो एंड सब कुछ बात भी देखो भाई कितना सही लग रहा है। एंड आई थिंक ये लाइब्रेरियन का रूम है, तो यहाँ पे बुक्स शेल्फ भी होगी। तो वो भाई बुक शेल्फ तो देखो भाई एक बार सेम, इसमें सारे के सारे जो टेक्सचर्स एंड जो शेडर्स है वो चेंज हो चुके हैं।
एंड आपको पूरा का पूरा, ओ भाई ये बेबी विलेजर भी यहाँ पे है गाइज, इसके लिए एक लाइक तो बनते, देखो किस तरह से मुझको प्यार से देख रहे। तो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड ये टेक्सचर पैक आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड आपको कोई नई वीडियो से रिलेटेड रिकमेंडेशन हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.